हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल माय प्लांट इज माय लाइफ पर। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो किसी प्लांट या फ्लावर पे नहीं है और आज की वीडियो में बनाने का कोई मेरा मकसद भी नहीं था। आप थंबनेल और टाइटल से जान ही गए होंगे कि क्या है आज की वीडियो। तो ये आपके अवेयरनेस के लिए एक वीडियो मैंने बनाई है और जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, इस कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए कितने अच्छे से ब्लूम इस टाइम आपके भी गार्डन में हो रहे होंगे काफ़ी नंबर्स ऑफ मात्रा में। तो दोस्तों मेरे गार्डन में अभी जब मैं कुछ सेटअप कर रहा था, मतलब वही गर्मियों के पौधों की तैयारी प्रिपरेशन, समर गार्डन की प्रिपरेशन करते वक्त मेरे गार्डन में निकला दोस्तों भारत का सबसे जहरीला सांप। हाँ दोस्तों, आप नहीं मानोगे कि मेरे गार्डन के अंदर निकला भारत का सबसे जहरीला सांप, जिसका नाम था इंडियन कॉमन करैत के नाम से। अगर आप सर्च करोगे तो वो आ जाएगा। और वो तो खैर हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भैया जी को बुलाया था और वो उसे ले गए। मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो मीडियम साइज़ का था। और जो दोस्तों छोटे सांप होते हैं अगर माना जाए तो दोस्तों उसी में ही सबसे ज़्यादा जहर होता है। वो बता रहे थे कि अगर वो किसी को काट लेता तो अच्छा नहीं रहता, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पौधे मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर सकते। तो पौधा का शौक़ अच्छा होता है लेकिन हमेशा एक अवेयरनेस साथ में होनी चाहिए। तो दोस्तों अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए वो कैसे आया मेरे गार्डन में इस बात की पुष्टि मैं आपको बताता हूँ करते हुए कि दोस्तों जैसे कि हम नर्सरी जाते हैं, वहाँ से हम लेकर आते हैं कोई प्लांट्स। और मेरी वीडियो आने वाली थी प्लांट शॉपिंग परचेज पर, मैंने वो लगा भी दिए काफ़ी सारे प्लांट्स। और ये देखिए टमाटर पे हैवी फ्रूटिंग हो रही है। तो दोस्तों वो जो हम ग्रो बैग्स और गमलों में लाते हैं ना, उन्हें चेक करके हमें ज़रूर लेना चाहिए, अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों उनके अंदर से ही सांप आ जाते हैं हमारे गार्डन में, जो कि हमारे लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं आगे चल के। और अगर वो बड़ा हो जाता तो काफ़ी ख़तरनाक, हमारा पेट है हमारे लिए तो सबके लिए वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो आप ज़रूर जब भी कोई गार्डन की चीज़ लाओ, सामान लाओ, तो दोस्तों वो आपको एक अवेयरनेस ज़रूरी है कि देखिए वो आया इस तरीके से था कि मैंने नर्सरी से कुछ प्लांट्स लाया। तो दोस्तों प्लांट्स लाया ना, तो उसके अंदर जो काली वाली पन्नी होती है बड़ी वाली, तो दोस्तों उन काली पन्नियों के अंदर वो बैठा था नीचे। और उसका साइज़ मैं बताऊं तो वो कम से कम दोस्तों आधा मीटर का होगा, मतलब एक मीटर आधा मीटर का होगा। तो पहली बार ज़िंदगी में अपने घर में सांप देखने में दोस्तों बहुत डांट भी पड़ी मुझे, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली सी बात है कि आपने इतने सारे पौधे बढ़ा लिए हैं तो अगर कोई सांप निकलता है तो डांट पड़ना तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि हम अपनी गार्डनिंग का शौक़ हम कम करेंगे। तो वो तो हमारा ज़िंदगी भर का है, जब तक जिएंगे जब तक का ये शौक़ है। और एक और बात दोस्तों, इस चैनल का नाम बदल के हमने, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नाम हो रहा था, तो फ्री गार्डनिंग अब इसका चैनल है, क्योंकि मैं फ्री की टिप्स ही देता हूँ आपको। तो देखिए कुछ दिनों में सर्च में भी आने लगेगा और कुछ फ्लावर भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो अवेयरनेस दोस्तों इस प्रकार से ये होनी चाहिए कि दोस्तों जो भी आप दोस्तों वो प्लांट्स लाओ, पॉट्स लाओ नर्सरी से मिट्टी के, तो दोस्तों वो हमेशा जांच के लाओ। उसमें ही सांप के बच्चे आ जाते हैं और छोटे छोटे सांप आ जाते हैं। तो उसी में से मेरे घर में एक सांप आया था और ये देखिए मैरीगोल्ड में काफ़ी सारे। तो डरने की बात नहीं है, हमने पूरे अपने जो है प्लांट एक एक प्लांटर हटा के हमने चेक कर लिया है और काफ़ी मतलब वो ही एक। और अभी जल्दी में हम दो तीन दिन पहले लाए थे ना खाद और वो, तो दोस्तों वहीं से आया था जल्दी में। तो डरने की तो देखिए एक मैं आपको हार्वेस्ट भी करता हूँ साथ में, ये टमाटर। तो ये देखिए टमाटर हार्वेस्ट किया मैंने रेड कलर का, और ये मैं अपने डॉगी को दे दूँगा जिसका नाम भूसो है।
तो दोस्तों देखिए, अभी मेरा गार्डन आपको मैं ऐसी बना भी दिखा दूँ, आपसे कुछ भी नहीं छुपाई। बच्चे शोर मचाने लगते हैं जब मैं वीडियो बनाता हूँ, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। ये देखिए काफ़ी मैसी मैसी गार्डन हो रहा है, और हमने आज इसी ही चक्कर में कई बड़े गमले में तो नहीं है, इसके कारण देखिए पूरा रिपोर्ट करा है, इसमें खाद मिलाई अच्छे से बनाने का पौधे को। और इसमें जो आम का पौधा है दोस्तों, वो देखिए वो हमने रिपोर्ट करके ये रहा बड़ा सा पौधा, इस बड़े से ड्रम में लगा दिया है, जो कि अब भगवान करे कि प्लीज़ दोस्तों प्रेयर करिएगा कि ये प्लांट हमारा चल जाए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इसकी बहुत सारी जड़ें ज़्यादा कट गई मेरे से कम 85-90% जड़ें कट गई, तो उम्मीद है कि ये सर्वाइव कर जाएगा देखिए। और ये 2-3 साल पुराना हमारा प्लांट्स है, और ये देखिए ये प्लांट मैं नर्सरी से लाया था, और मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से प्लांट मैं लाया था। और तुलसी लाया था, तो दोस्तों वो सांप जो निकला था वो इस जगह पर निकला था, और इस जगह की जो पहली पिक है वो मैं दिखा दूंगा आपको, वीडियो में दिख रही होगी। तो पहले देखिए मैंने पूरा ये चेंज करा है, पिछला कितना फूल रखे थे इधर वो सब हटा के फिर मैंने दोबारा लगाए हैं, और सारे उठा के देखे हैं। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे से विंका फ्लावर देना शुरू कर दिया है विंकाओं ने। और एक ये देखिए ये रोज़ का प्लांट लाया था, और दोस्तों और जो मैं प्लांट्स लाया था देखिए, एक ये तुलसी का प्लांट रखा हुआ है यहाँ पर, और दोस्तों बहुत सारे प्लांट मैंने अपने गमलों में ही धर रखे हैं जिन्हें रिपोर्ट भी करना है, तो उनकी वीडियो भी आपके पास अब आ जाएगी। तो ये आपके अवेयरनेस के लिए वीडियो थी कि अगर आपके पास आप कोई प्लांट अगर प्लांटर लाते हो अब नर्सरी से, तो दोस्तों उन्हें चेक करके लाइए, जांच के लाइए हमेशा, और हमेशा ही चेक करते रहिए अपने गार्डन में, हमेशा जांच करते रहिए, जांच पड़ताल जारी रहनी चाहिए, जिससे आगे जाके आपको कोई भी खतरा ना हो। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलेंगे आप किसी अच्छे गार्डनिंग के टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।